प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता को मनाना चाहते हैं लव मैरिज के लिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार आपकी शादी के लिए मान जाएगा। और ये बहुत ही आसान उपाय है, इसको करते ही आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे आपके घर में जो लोग हैं वो आपकी बात मानने लगे हैं और आपसे आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसको कैसे करना है दोस्तों, ये जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं विधि की, कि ये विधि आपको कैसे करनी है। माता पिता हो या आपके फैमिली के लोग हो या फिर वो कोई भी हो सकता है, आपके चाचा हो सकते हैं, जो भी मतलब आपके घर के बड़े लोग हैं जिनकी वजह से आपकी शादी रुकी हुई है, जो आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं होने दे रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लव मैरिज करने का मतलब है कि फैमिली के अगेंस्ट में जाकर ही लव मैरिज कर सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप अपनी फैमिली की मर्जी से कोई काम करते हैं तो आपके पास उनकी भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहता है, उनका उनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं, जो कि आपको आगे जिंदगी जीने में बहुत मदद करती हैं। तो अगर आप इस तरह का उपाय करते हैं तो आपके घर वालों की जो ब्लेसिंग है, उनका जो आशीर्वाद है, वो आपको मिल जाएगा और आपको आगे की जिंदगी जो है वो और भी ज्यादा खुशमय तरीके से जीने में मदद मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस उपाय को जरूर करें और कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले ये चीज सोच लें कि आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ इस उपाय को करने का तरीका। दोस्तों बहुत ही आसान है, कागज ले लीजिए, कागज पर आपको लिखना है अपना नाम, अपने प्रेमिका या प्रेमी का नाम और फिर अपने माता पिता का नाम। आपको तीनों नाम लिख लेने हैं एक के नीचे एक। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखिए और फिर नीचे लिखिए अपने माता पिता या जो भी आपके घर के जो बड़े हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है दोस्तों। मंत्र बोलने से पहले आपको तीन चीजों की जरूरत होगी, तो वो आप ले लीजिए। हल्दी लेनी है आपको, एक लौंग लेनी है और एक इलायची लेनी है। चुटकी भर हल्दी ले लीजिएगा, बहुत सारी हल्दी लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों वो ये कि ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। और आपको क्या करना है कि जिस कागज पर अपने आपने अपना, अपनी प्रेमिका और अपने माता पिता का नाम लिखा था वहां पर आपको एक चुटकी हल्दी रख देनी है। तीनों नाम के ऊपर आपको एक चुटकी हल्दी रखनी है और जहां पर आपने अपने माता पिता का नाम लिखा था वहां पर आपको इलायची रख देनी है। इलायची रखने के बाद जो एक लौंग बच जाएगी वो लौंग आपको अपने और अपने प्रेमिका के नाम के बीच में रख देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मंत्र बहुत आसान है, शादी का मंत्र है ये, जो कि शादी करवाते हैं उससे जुड़ा हुआ ये एक सम्मोहन मंत्र है, जिसका अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप अपने घर के लोगों को अपनी शादी के लिए मना पाएंगे। मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको उस कागज को फोल्ड कर देना है, मतलब उसके अंदर जो आपने सामान रखा था उस सामान के साथ साथ ही आपको उस कागज को अच्छी तरीके से मोड़ के छोटी सी पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इस कागज को आपको अपने घर के पास में
कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर कि आपको बहता हुआ पानी मिल जाए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये काम कि आप इसे सही तरीके से कंप्लीट करें, पूरा करें। तो आपको एक बहता हुआ पानी देखना है आपके घर के पास, नदी हो सकती है, झरना हो सकता है, नाला हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर ये पानी बहता हुआ मिले, आपको वहां पर जाना है और इस पुड़िया को वहां पर प्रवाहित कर देना है। उस समय भी आपको यही मंत्र बोलना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। घर वापस आना है दोस्तों, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। आप देखेंगे कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, जी हाँ, दिन भी नहीं, घंटों के अंदर अंदर ही आपकी फैमिली, आपका जो परिवार है वो आपकी लव मैरिज के लिए राजी हो जाएगा। आपके पास कोई ना कोई ऐसा क्लू, कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो लोग राजी हो गए हैं और आपकी शादी को करवाने के लिए वो तैयार होंगे। तो दोस्तों ये तो था उपाय जिसे आप कीजिए। अगर आपका कोई और सवाल है, कुछ और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के आपको टाइटल में हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।